शिमला में भारी बारिश के चलते आईएमडी ने 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के आईएमडी प्रमुख सुरेंद्र पॉल ने बताया कि हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कुछ इलाकों में अगले 2-3 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी प्रमुख ने बताया कि पिछले 24 घंटों में पूरे राज्य में बारिश हुई। कांगड़ा में सबसे अधिक बारिश हुई, शिमला और जुब्बल में ओलावृष्टि की खबरें सामने आई हैं। अगले 48 घंटों तक बारिश जारी रहेगी। बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। 7 मई तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई जगह आंधी से फल और फूल झड़ गए हैं। सेब और आड़ू की सेटिंग भी बिगड़ रही है। निचले हिमाचल में बारिश से गेहूं को नुकसान हुआ है। कई जगह फसल गीली हो गई है। ट्रेसिंग समेत खरीद प्रक्रिया भी कुछ क्षेत्रों में रुक गई है। अप्रैल और मई की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। मौसम के बिगड़े मिजाज से तापमान में गिरावट दर्ज हुई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मई में भी शीतलहर चल रही है। बदले मौसम से लोग सर्दी, जुकाम और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। एनवन लाइव की खास रिपोर्ट।